today's discussion is part of the second day. Seven subject social science class 8 AB chapter 2 sub topic of the factor of the soil pollution and topic name land soil water national resources natural resources topic. Today's discussion is very important. Know about the meaning of land resources and soil conservation. Conservation. Factors of soil formation. The major factors of the soil formation are the nature of the parent rocks and climatic factors. That means soil को महत्वपूर्ण factor जो है वह बनाने में काम करता है. तो मुख्य रूप से पहला है climatic condition. Very important factor of the formation of the soil. Soil, just like a climatic, time bound, flora fauna, leaf attitude and parent rocks. Today discussion is some topic climatic condition. Climatic condition should be must of the soil formation. That should be formation of the slight temperature, rainfall, and influence of the weather and humus. That is a very important of the soil. Temperature just like the origin of the plant, any seed, rainfall, any पानी चाहिए, पानी जरूरी है. Next है influence light, sufficient मात्रा में उसको चाहिए. Weather, मौसम भी उसको चाहिए. Our humus. तभी और किसी भी चीज का विकास हो सकता है. ये निहायत आवश्यक है आपका स्वयं में मृदा. नेक्स्ट है टाइम. टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. थिकनेस का मतलब कि अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके थिकनेस मोटाई में है वह अधिक होती और मोटाई में जब अधिक होती है तो उर्वरा शक्ति उसमें ज्यादा अच्छा से मिलित रहता है. और यही कारण है कि थिकनेस जिसकी ज्यादा होती है सॉइल का उसमें प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज ए वेरी हाई. मतलब उस वहाँ पर फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. दूसरा है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन. मैंने ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब आर्द्रता को जानकारी लेने के लिए उसमें पाए जाने वाले जो छोटे छोटे प्लांट पौधे हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में हम जानते हैं. दूसरा है लीफ एल्टीट्यूड. लीफ एल्टीट्यूड मतलब स्लो. अगर कोई भी धरातल का स्लोप अगर ज्यादा है तो दैट इज ए नाउ टे रिलीफ एंड डिटरमाइन ऑफ द सब सॉइल एंड मिनरल कम्युनिटी ऑफ द सॉइल. और उसमें जो खनिज पदार्थ जो मृदा में पाया जाता है उसकी मात्रा वो निर्भर करता है उसके लिए कितना है एक्टिव कितना प्रभावित. नेक्स्ट है पैरेंट रॉक डिटरमाइन कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टी मिनरल कंटेंट परमेबिलिटी. दैट इज मेन थिंग ऑफ द पैरेंट रॉक. आफ्टर दैट thank you.
Ingresa a tu espalda. Terrace, harming, intercrossing,
कंट्रोल प्लानिंग एंड द सेंटर पे, मतलब कि आप कंट्रोल पहले, कंट्रोल पहले मतलब कि रेस्ट लाइफ ब्यूटी ऑफ द कंट्रोल लाइफ ऑफ द वेरिया रेस्ट लाइफ ब्यूटी ऑफ द रेस्ट लाइफ टू किल लाइन, इसको आप कई तरह के आप बताए जाते हैं। तो ये जनरेटेड कंट्रोल है, ये नॉट पे प्लाविंग दैट इज हाउ नॉट के थ्रू ऑफ द स्क्वायर वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसकी मिट्टी का भाव नहीं होता। दूसरा है रॉक डेन, रॉक डेन का मतलब हुआ है कि हम अगर कहीं चारों तरफ पूरा बेड़ बना दिए, अगर ढालू ऊंचाई में है तो ये जहाँ से इधर से नहीं बनाते हैं तो इसको हम लोग रॉक ड्रेन कहते हैं, और इस तरह के पूरे इलाके में बनाया जाता है इसको हम रॉक ड्रेन कहते हैं। दूसरा टेरेन फार्मिंग, मतलब खेतों को किसानी जो है वह टेरेन के माध्यम से खेती नुमा आकृति में बनाते हैं तो उसको हम लोग टेरेन फार्मिंग कहते हैं। खेती है अगर ये एक प्लेट फील्ड है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहता है, आप इसमें खेती एक बार किया जाएगा इसमें दूसरे आइटम है आपका टेरिस फार्मिंग जस्ट लाइक टू क्रॉप एग्रीकल्चर। इंटरक्रॉपिंग सेंटर, इंटरक्रॉपिंग सेंटर का मतलब हुआ कि अगर इसमें क्रॉप जो है चेंज ऑफ क्रॉप, अगर खेती जो है एक फसल का उत्पादन किया जाता है तो उसमें दूसरे दूसरे तरह के फसल का उत्पादन किया जिससे उनकी ह्यूमिडिटी जो होती है आर्द्रता जो है जो है जो है बना रहता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें एक तरफ दलहन की खेती की जाती है तो इसका रवि क्षेत्र की खेती में, अगर इसमें गेहूँ का उत्पादन किया गया तो देश में दलहन किया गया यानी दाना में वैरायटी में जैसे चना गेहूँ के रहा होता है क्या होता है। फिर दूसरी बात ये गेहूँ होगा तो इसमें क्या हो जाएगा चना, इसको आप दलहन कह सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर इसको स्टीम, तो इससे क्या होता है कि उर्वरा शक्ति गेहूँ का तय बनी रहती है, या गेहूँ के द्वारा जब उर्वरा शक्ति का शोषण कर दिया गया तो ये दलहन फसल आगे उसको कंपनसेट करता है, इसको हम लोग दलहन फसल के नाम से। दूसरा है कंट्रोल प्लानिंग, कंट्रोल प्लानिंग का मतलब होता है कि जिस तरह से कंट्रोल होता है उस तरह से खेतों की जुताई होना, और खेतों की जुताई चारों तरफ से होगा दैट फॉर्मेट ऑफ द मेन, जब मेन बन जाता है तो वह किसी भी कारण से वहाँ के वर्षा ऋतु होता है पानी के बहाव होता है यानी इरोजन ऑफ द नेचुरल एजेंट कट आउट ऑफ द वॉटर प्लेस टू अंडर, अगर किसी भी प्राकृतिक ऋतु के द्वारा अगर उस पर कोई भी प्रभाव खास नहीं पड़ता है और वहाँ जो उर्वरा शक्ति जो है वह इस स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थानों पर नहीं जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल प्लान का मतलब कि इस इलाके की खेती करना है, खेतों की जुताई जो है वह विभिन्न तरह से किया है, मान लीजिए ये हो गया इस तरह से करने से ये मिट्टी जो है वह ना इसको ये इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी और ना मेन अगर वह खेतों में क्या है वह एक नुमा आकार की आकृति बन जाती है, इसलिए मिट्टी का पतन चारों तरफ स्थानांतरित नहीं होता। सेंटर बेड, सेंटर बेड का मतलब हुआ है कि वह मेन बना है, उस मेन के आधार पर सेंटर बेड होता है जो मिट्टी का स्थानांतरण नहीं होता है।
water. Use of the water per person. अरे आदमी की एक आदमी के एवरेज कितने वाटर की जरूरत पड़ती है ये डाटा आपको बताता है। जैसे मान लीजिए एवरेज आवर लीटर पर पर्सन लीटर पर पर्सन पर डे एक आदमी जैसे एक वाला में ट्वेंटी नंबर टू कुकिंग थ्री बाथरी नंबर फोर क्लासी फाइव वाशिंग क्लोथ वाशिंग क्लोथ सिक्स वाशिंग एंड पेंसिल वाशिंग एंड पेंसिल गार्डनिंग plant and animal
suggest three way to answer